बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए एक और DHF फेज 6 लाहौर में एक कनाल का घर लेकर आया हूं, जो कि इस वक्त मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। 5 बेडरूम हाउस है जिसमें 6 वाशरूम हैं, एक पाउडर रूम और 5 अटैच वाशरूम। डबल किचन के साथ बना हुआ ये माशाल्लाह घर है। 70 फुट रोड यानी 70 फीट रोड पे बना हुआ यह घर है। मैं आपको अंदर जाने से पहले घर की जो सराउंडिंग्स हैं वो दिखा देता हूँ। ये घर का सराउंडिंग एरिया 70 फुट रोड पे यह घर बना हुआ है। घर की प्राइस और घर के जी फर्दर्स जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं वीडियो के दौरान शेयर करूंगा। वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। घर के डायमेंशन वही है जो कि DHF 1 किलार के प्लॉट की साइज़ की होती है। डायमेंशंस 50x90। घर में एंटर होने से पहले आप देख सकते हैं कि घर का जो रैम्प है वहाँ पर मार्बल का यूज़ किया गया है। ये हमारे घर के बाहर का लॉन एरिया है। डोर डिज़ाइन देख सकते हैं आप। फुट स्टेप्स पे ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। और घर का जो पोर्च एरिया है वहाँ पे भी सेम उसी मार्बल का यूज़ किया गया है जो कि बाहर रैंप किया गया है। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत सा हमारे घर का लॉन आ जाता है। लॉन की जो वॉल है उसको आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से इस वॉल को भी डेकोरेट किया गया है। घर का पोर्च इतना है जहाँ पे 2 से 3 सेडान कार्स इजीली पार्क की जा सकती हैं। यह है हमारे घर की मेन एंट्रेंस, जिसका जो मेन डोर है उसको कम्प्लीट सॉलिड एश वुड से बनाया गया है। ये है हमारे घर की एंट्रेंस। एंटर होते ही आप देख सकते हैं कि स्पेशियस स्पेस है यहाँ पे, जिसको आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। एंटर होते ही वेरी लेफ्ट पे आ जाता है हमारे घर का ड्राइंग रूम, जहाँ पे सुपर ग्लोसी वुडन फ्लोरिंग का यूज किया गया है। सामने फायर किट और उसके ऊपर मीडिया वॉल। ओरिएंट का इन्वर्टर एसी इंस्टॉल्ड है। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप माशाल्लाह। और यहाँ पे स्लाइडिंग विंडोज का यूज किया गया है जहां से आप अपने लॉन का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ड्राइंग रूम है और यहाँ से राइट होते ही हमारे घर का आ जाता है पाउडर रूम। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत टाइल का यूज किया गया इस वॉशरूम में। ग्रोही कंपनी की जानिब से यहाँ पे कमोड इंस्टॉल्ड है। बहुत ही खूबसूरत सी वैनिटी और इलेक्ट्रिकल मिरर। यहां से मैं आपको दिखा दूं कि एंटर होकर राइट साइड पे बिल्कुल यहां पे डाइनिंग एरिया दिया गया है। सीलिंग वर्क देख सकते हैं। एंटर होते ही सामने अगेन ओरिएंट का इन्वर्टर एसी आपको देखने को मिलता है, उसके साथ ही स्लाइडिंग विंडोज ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए और यहाँ पे विंडो दी गई है। यहां से भी आप एंट्रेंस ले सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया की और बाहर से भी ले सकते हैं। अब मैं आपको घर के फर्दर हिस्से की जानिब लेके चलता हूं। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा सीलिंग वर्क।
यहाँ से आगे आते ही जैसे ही लेफ्ट पे आप होते हैं, यहाँ पे टीवी लाउंज हमारे घर का बनाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस पे डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे टीवी लाउंज की मीडिया वॉल आ जाती है। स्लाइडिंग विंडोज़ ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, उसके साथ फायर किट, उसके आगे अगेन स्लाइडिंग विंडोज़ और सामने वॉलपेपर जिस पे पेंटिंग्स और इन्वर्टर एसी अगेन आपको देखने को मिलता है। व्यूवर्स, पूरे घर में 10 इन्वर्टर एसी को इंस्टॉल किया गया है। ये है हमारे घर का ह्यूज टीवी लाउंज। ये डाइनिंग एरिया जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल साथ ही किचन, जिसको मॉडर्न लुक में तैयार किया गया है। थोड़ी सी मैसी कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि घर की जो फाइनल टचिंग है वो सारी इस वक्त हो रही है। 80% काम हो चुका है, 20% रिमेनिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये किचन हुड है, वॉश बेसन, यहाँ पे किचन हुड के नीचे रेस कंपनी का बर्नर इंस्टॉल्ड है। और एंटर होते ही राइट साइड पे यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे हायर का 2-डोर रेफ्रिजरेटर भी मिलते हैं। ये है हमारे घर का सर्विस किचन, जिसको डर्टी किचन भी बोलते हैं। यहाँ पे फोटाइल कंपनी की जानिब से आपको किचन हुड और बर्नर देखने को मिलता है। उसके बिल्कुल वेरी राइट पे वॉश बेसन, कबर्ड्स, और ये है हमारी गैलरी की एंट्रेंस किचन की। ये आप देख सकते हैं, किचन से बिल्कुल बाहर आते ही किचन के सामने आपको ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसपे आप देखेंगे कि वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है। एंटर होते ही सामने ह्यूज स्लाइडिंग विंडोज़ आ जाती हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, उसके ऊपर ओरिएंट कंपनी का इन्वर्टर एसी। ये हमारे इस बेडरूम की मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप। और ये है हमारे इस बेडरूम की बेडरूम वॉल। ये है अटैच वॉशरूम नीचे के मास्टर बेडरूम का, जिसमें एंटर होते ही राइट साइड पे क्यूबिकल शॉवर एरिया मिल जाता है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि रेन शॉवर इंस्टॉल्ड है, सीलिंग वर्क, और उसके बिल्कुल आगे वॉल फिटेड ग्रोही कंपनी की जानिब से कमोड, और यहाँ पे ह्यूज इलेक्ट्रिकल मिरर आपको देखने को मिल जाता है, और उसके नीचे पोर्टा कंपनी की जानिब से वैनिटी। और ये है हमारे इस बेडरूम का वार्डरोब। मास्टर बेडरूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं, उसके बिल्कुल लेफ्ट पे बेडरूम नंबर 2 को डिजाइन किया गया है, जिसमें एंटर होते ही आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे वॉल डिजाइन की गई है बहुत ही खूबसूरत सी। स्लाइडिंग विंडोज, सीलिंग वर्क, और ये है हमारे इस बेडरूम की मीडिया वॉल। आप चाहें तो इस वॉल को बेडरूम वॉल बना सकते हैं।
या चाहे तो इस वॉल को भी बेडरूम वॉल बना सकते हैं। और ये है हमारे इस बेडरूम नंबर 2 का अटैच वॉशरूम, जहाँ पे क्यूबिकल शॉवर एरिया और उसके सामने ग्रोही कंपनी की जानिब से वॉल फिटेड कमोड। और यहाँ पे आपको अगेन इलेक्ट्रिकल मिरर और पोर्टा कंपनी की जानिब से वैनिटी आपको देखने को मिल जाती है। पूरे घर में ग्रोही और पोर्टा कंपनी का यूज़ किया गया वॉशरूम एसेसरीज के लिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लग्जरी बाथरूम एसेसरीज कंपनीज हैं। व्यूवर्स, इसी के साथ हमारे ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब मैं आपको घर के ऊपर के हिस्से की जानिब लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि फुट स्टेप्स पे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है वुड के कम्बिनेशन के साथ। और ये हमारी स्टेयर केस की जो वॉल है, इसको आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह इसको भी डिज़ाइन किया गया है। पूरी यहाँ वॉल पे इम्पोर्टेड वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप। स्टेयर से बिल्कुल ऊपर आते ही लेफ्ट साइड पे हमारे घर का स्टोर रूम, और स्टेयर्स के बिल्कुल सामने आप जैसे ही नीचे से ऊपर आते हैं, ये है हमारे ऊपर का बेडरूम नंबर 1, जिसमें अगेन वुडन फ्लोरिंग आप देखेंगे। और एंटर होते ही सामने घर की बेडरूम वॉल डिज़ाइन की गई है इस बेडरूम की। यहाँ से टेरेस की एंट्रेंस दी गई है, और यहाँ पे सामने मीडिया वॉल। सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप। टेरेस से भी ले चलता हूं मैं आपको। यहाँ से जो ओपन स्पेस है, यहाँ से भी एंट्रेंस दी गई है। सामने बेडरूम है, वहाँ से भी दी गई है एंट्रेंस, और टीवी लाउंज से भी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस बेडरूम का अल्ट्रा मॉडर्न वॉशरूम दिखा देता हूँ, जिसको बहुत ही एलिगेंट लुक में तैयार किया गया है, और काफ़ी स्पेस का यूटिलाइज़ किया गया पूरे वॉशरूम को बनाने के लिए। जिसमें वॉशरूम में आप देखेंगे कि राइट साइड पर काफ़ी ज़्यादा कबर्ड्स को बनाया गया है। पूरे घर में स्पेनिश और इटालियन टाइल्स का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही वाइड मिरर, इलेक्ट्रिकल मिरर है ये भी, और डबल वैनिटी यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। और यहाँ राइट साइड पे आप देखेंगे ग्रोही कंपनी की जानिब से अगेन वॉल फिटेड कमोड, और उसके सामने क्यूबिकल शॉवर एरिया। रेन शावर देख सकते हैं आप ऊपर। एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो यहाँ पे आप देखेंगे वॉशरूम के साथ, यहाँ पे ओपन स्पेस डिज़ाइन की गई है, जिसको आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, या जिस भी पर्पस के लिए आप ओपन रेन के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो इस जगह को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से है ऊपर का टीवी लाउंज,
टीवी लाउंज का आप सीलिंग वर्क देख सकते हैं, ब्लैक और वाइट के कम्बिनेशन से डिजाइन किया गया है। ये मीडिया वॉल है, मीडिया वॉल पे और इस वॉल पे कंप्लीट आपको इम्पोर्टेड वॉलपेपर देखने को मिलता है, और उसके बिल्कुल साथ ओपन मॉडर्न किचन डिजाइन किया गया है। जहाँ पे आप दोबारा देखेंगे कि रेस कंपनी की जानिब से ही किचन हुड और बर्नर को इंस्टॉल किया गया, और उसके बिल्कुल राइट साइड पे वॉश बेसन। टीवी लाउंज से भी जो ओपन एरिया है वहाँ की एक्सेस यहाँ से दी गई है। यहाँ किचन के बिल्कुल सामने अगर आप आ जाएं, ऊपर का बेडरूम नंबर 2, जिसमें बिल्कुल सामने मीडिया वॉल, यहां से ओपन एरिया की एंट्रेंस, और ये है बेडरूम वॉल हमारे इस बेडरूम की। ओरियंट कंपनी का इन्वर्टर एसी, और बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न डिजाइन में तैयार किया हुआ अटैच वॉशरूम। वुडन टेक्सचर की जहां पे आप टाइल्स देखेंगे यहां पे इंस्टॉल की गई है। सामने शॉवर एरिया, वॉल फिटेड कमोड, और ये है हमारे इस बेडरूम की वार्डरोब या कबर्ड्स भी बोल सकते हैं। बेडरूम नंबर 2 से बिल्कुल लेफ्ट पे आप हों तो यहाँ पे घर का बेडरूम नंबर 3, जबकि फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 3 जबकि घर का बेडरूम नंबर 5 डिजाइन किया गया। बेडरूम नंबर 5 में एंटर होकर सामने ही आपको स्लाइडिंग विंडोज मिल जाती हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। उसके ऊपर ही ओरियंट कंपनी का इन्वर्टर एसी इंस्टॉल्ड है, और इस रूम के बाहर इस जगह को डिजाइन किया गया, जिसको आप एज अ टेरेस या जिस पर्पज के लिए चाहे यूज कर सकते हैं, चाहे तो गार्डनिंग कर सकते हैं इस एरिया में। और ये है हमारे इस बेडरूम की मीडिया वॉल, जहाँ पे अगेन आपको इम्पोर्टेड वॉलपेपर इंस्टॉल्ड मिलेगा। और ये है बेडरूम वॉल, यहाँ पे भी वॉलपेपर को इंस्टॉल किया गया है। इस बेडरूम के जो वार्डरोब है वो रूम के अंदर ही डिजाइन की गई है। और ये है हमारे बेडरूम नंबर 5 का अटैच वॉशरूम, जिसमें बिल्कुल सामने क्यूबिकल शॉवर एरिया, और उसके ऊपर रेन शॉवर, राइट साइड पे ग्रोही कंपनी का अगेन आप देखेंगे वॉल फिटेड कमोड, और उसके सामने इलेक्ट्रिकल मिरर, पोर्टा कंपनी की जानिब से वैनिटी, और सेम ये वही चीज़ आपको मिलेगी जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ एक वॉशरूम में। ओपन स्पेस को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आप ओपनली शावर को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसी के साथ हमारे इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। घर का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आप देख चुके हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं घर के सर्वेंट क्वार्टर की जानिब, जो कि घर की बैक साइड पे ऊपर डिजाइन किया गया है। यहां से मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूं।
ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस। एंटर होते ही वेरी लेफ्ट पे ड्राइंग रूम, ये सामने टीवी लाउंज और ये है डाइनिंग रूम। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं सिक्योरिटी के लिए। घर का जो गैलरी एरिया है वहाँ पे वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। गैलरी वॉल आप देख सकते हैं। यहाँ घर की बैक साइड से ऊपर सर्वेंट क्वार्टर डिजाइन किया गया जहाँ पे अटैच वॉशरूम है। ये है हमारे इस घर की दूसरी गैलरी। तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारे इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। डिमांड इस घर की है 7 करोड़ इस घर की डिमांड है और प्राइस इसके नेगोशिएबल है। मज़ीद और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।